आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जी नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात अपने देश की। आज का मुद्दा बड़ा संजीदा है क्योंकि देश में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा है उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अब राजनीति जनता की सेवा के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए होती है। और साफ तौर पर तमाम घटनाक्रम ये स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर राजनीति जनता की सेवा के लिए होती होती तो राजनीति के मायने दूसरे होते। पर यहाँ पर राजनीतिक जो व्यवस्थाएँ हैं, जो राजनीतिक उठापटक है, जो राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा है और जो राजनीतिक सुर्खियाँ हैं, वो एक बात स्पष्ट कह देती हैं कि जो 2024 चुनाव है वो और दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि 2024 के चुनाव तक देश में तमाम ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटने वाली हैं जिससे एक तरफ विपक्ष मजबूत भी होगा तो कहीं कमियां भी उजागर होंगी, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष को लाभ भी होगा तो वहीं सत्ता पक्ष की कहीं ना कहीं नुकसान के भी उम्मीदें जताई जा सकती हैं। क्योंकि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते यहाँ पर इस तरह की सरगर्मियाँ चलना आम है। और अब आम चुनाव की जो सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं उसमें अलग अलग पटकथा रची जा रही है। पटकथा की बात करें तो इस समय एक पटकथा पहले महाराष्ट्र में रची गई। उस पटकथा में हमने देखा कि शिवसेना के जो नेता थे, मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री शिंदे, उन्होंने एक बगावत करके बीजेपी से नाता जोड़ के, जो शिवसेना बीजेपी की कभी साथ रहती थी उससे नाता जोड़ के दोबारा सत्ता में मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। और साथ ही साथ एक घटनाक्रम और वहाँ पर हुआ कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यहाँ पर एक पार्टी की जो आदेश है उसका निर्देशन पर पालन करते हुए स्वयं को डिप्टी सीएम के पद पर सुशोभित कर दिया। हालांकि कष्ट जरूर हुआ होगा, पर उस कष्ट के अलग पार्टी की विचारधारा, उस कष्ट के अलग पार्टी का आदेश, उस पद के लिए पार्टी का जो एक पूर्व दूरगामी जो व्यवस्था उसको देखते उन्होंने पद को स्वीकार किया। घटनाक्रम चलते रहते हैं, पर इस घटनाक्रम के बीच आप यहाँ देख रहे हैं कि एक घटनाक्रम अभी बिहार में घटित हुआ। घटित ये हुआ कि इस घटनाक्रम के लिए हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। क्या बढ़िया, यहाँ पर मैं आपको बताया है कि मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के लिए और मुख्यमंत्री पद के शपथ के लिए आपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, ये घटनाक्रम अभी हाल में ही बिहार में घटित हुआ, जहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद RJD के साथ गठबंधन करके उन्होंने दोबारा बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये घटनाक्रम है। अब नीतीश कुमार अचानक, तो ये घटनाक्रम हुआ नहीं है, एक घटनाक्रम के पीछे भी एक वजह है और वो वजह बड़ी दिलचस्प है। क्योंकि इस वजह की अगर हम बात करें, पिछले साल RCP सिंह को जिस तरह से बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी, उसके बाद से ही यहाँ पर सरगर्मी शुरू हो चुकी थी कि नीतीश कुमार आने वाले समय में बीजेपी से नाता तोड़ सकते हैं, और जिसकी शुरुआत भी हुई। सबसे पहले आपको बता दूं तो पिछले साल से ही सरगर्मियाँ चल रही थी और 17 जुलाई को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तिरंगे को लेकर देश के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था, मगर नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं पहुंचे। उसके बाद 22 जुलाई को जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई भोज का आयोजन किया गया, उसमें भी नीतीश कुमार भोज में नहीं शामिल हुए। उसके बाद जब 25 जुलाई को देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, उसमें भी नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया, पर वो नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। उसके बाद अभी हाल का अगस्त का मैं आपको बता दूं, सिर्फ 3 से 4 दिन पुराना मामला, कि 7 अगस्त को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बड़ी बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री सभी शामिल हुए, वरिष्ठ नेता शामिल हुए, साथ ही साथ जो बड़े अफसर हैं वो शामिल हुए, पर इस बैठक में भी नीतीश कुमार नहीं गए। अब इसकी जो व्यवस्था है वो कहाँ से हुई? RCP प्रकरण के अगर माने तो जो RCP
के पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह जो केंद्रीय मंत्री थे, और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को बनाने में बीजेपी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। पर आरसीपी सिंह को दिक्कत यहाँ पर, जब जनता दल यूनाइटेड ने उनको नोटिस भेजा अधिक संपत्ति मामले में, तो वहीं आरपी सिंह जो मामला था वो गर्म आ गया। और जब बीजेपी ने आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री बना दिया, उसके बाद लगा कि अब बीजेपी नीतीश कुमार की इच्छा के विरुद्ध काम कर रही है, और नीतीश कुमार की इच्छा के विरुद्ध जिस आरपीसी सिंह ने जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दी, और उसके बाद उसको मंत्री बनाया गया, उनसे जब आय के संपत्ति मामले नोटिस भेजा गया, उसे बीजेपी उनका सपोर्ट कर रही थी, उनका समर्थन दे रही थी, उसके बाद यहाँ पर नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में जो सुर थे वो अलग अलग हो गए, दोनों अपना अपना राग अलापने लगे। और सुर का राग अलापने की व्यवस्था ये रही, तो जो नया गाना बन के तैयार हुआ वो नए गाने में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, इन्होंने एक अपनी अलग व्यवस्था बनाई, और नीतीश कुमार ने 8वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नीतीश कुमार इसके पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, 2003 से शुरुआत रही, 2015 में रहे, 2020 में रहे, और बीच बीच में जब इनकी सरकार दिक्कत में आई तो उन्होंने दोबारा शपथ भी ली, अल्पमत में आई दोबारा शपथ ली। इस तरह ये इस बार इन्होंने बिहार में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, बड़ा नाम। और नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता माने जाते हैं। अब राजनीतिक मंशा यहाँ पर क्या है कि 2024 का चुनाव भी है, और चुनाव को देखते हुए यहाँ पर ये स्पष्टीकरण भी माना सोचा जा रहा है कि विपक्ष मजबूत कैसे हो, तो विपक्ष को मजबूत करने के लिए यहाँ व्यवस्था दूसरी है। पर जब विपक्ष की मजबूती का परिणाम आंका जाता है, और जब विपक्ष की मजबूती का सबूत देखा जाता है, और जब विपक्ष की मजबूती को एक प्रकार की कसौटी पर तोला जाता है, तो वहाँ पर विपक्ष की जो मजबूती है वो अलग थलग नजर आती है। अभी हाल में ही हमने दो परिणाम देखे, वो परिणाम बिल्कुल सामने परिणाम थे, और अभी हाल के परिणाम है जिसमें हमने बताया कि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं, बड़ी आदिवासी नेता के रूप में छवि है, बेदाग छवि है, उनको जब बीजेपी ने समर्थन दिया और उनको एनडीए के उम्मीदवार के रूप में उतारा, उसके बाद माना जा रहा था कि विपक्ष भी बड़ा उम्मीदवार उतारेगा, और विपक्ष ने यशवंत सिन्हा, जो कि 2018 में बीजेपी को छोड़कर चले गए थे और हाल में ही तृणमूल कांग्रेस पार्टी में है बंगाल में, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, बड़ा पद उनके पास है, और उनको उतारा, तो यहाँ पर लगने लगा था कि इस बार लड़ाई बड़ी मजबूत होगी और यशवंत सिन्हा यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को कड़ी टक्कर देते नजर आएंगे। पर यहाँ पर व्यवस्थाएं वही उल्टी, व्यवस्थाएं उल्टी ही, और विपक्ष यहाँ पर अलग थलग पाया गया, और जो जिनसे उम्मीद थी कि ये लोग हमारा साथ देंगे, विपक्ष को मजबूत करेंगे, वो लोग भी जाके द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में समर्थन कर दिए। परिणाम ये रहा कि विपक्ष बुरी तरह हारा और द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बने। उसके बाद उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, वो भी आपके सामने है, किस तरह से वहाँ पर विपक्ष अलग थलग रहा, मार्गरेट अलवा चुनौती पेश नहीं कर पाई, और जो परिणाम सामने आया वो परिणाम स्पष्ट कर देता है कि विपक्ष रणनीति चाहे जितनी बनाए, पर विपक्ष को रणनीति बनाने के साथ साथ अपने लोगों को सहेजने का भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि हम बैठक कर सकते हैं, हम रात्रि भोज कर सकते हैं, हम चुनौती पेश कर सकते हैं, हम बयान दे सकते हैं कि हम मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं और हमारा भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकता है, पर जब वोटिंग का समय आता है तब वो सारी राजनीति, सारी रणनीति धरी की धरी रह जाती है, और परिणाम जो आता है वो सत्ता पक्ष के पक्ष में चला जाता है। और ये बात स्पष्ट है कि जब तक आप राजनीति में अपनी लड़ाई को, रणनीति को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप सत्ता पक्ष से टकरा नहीं सकते। खैर, यहाँ पर जो घटनाक्रम है उस पर हम अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर घटनाक्रम की जो व्यवस्था है वो मैंने आपको बताई कि पिछले एक साल से चल रही है,
और जब ये घटनाक्रम बहुत ज़्यादा उद्धृत हुआ तो 17 जुलाई से इस घटनाक्रम की प्रतिक्रिया होनी शुरू हो गई, और 17 जुलाई, 22 जुलाई और 7 अगस्त के बाद इस घटनाक्रम पे एक नया भूचाल सा आया। भूचाल का परिणाम ये रहा कि नीतीश कुमार ने कल मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। अपना इस्तीफा उन्होंने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को दिया, और राज्यपाल को इस्तीफा देने के साथ साथ उन्होंने दोबारा राज्यपाल फागू चौहान को अपने समर्थन की, अपने समर्थकों की, अपने विधायकों की जो लिस्ट है, जो सूची है, वो हस्ताक्षर करके सौंप दी, और बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा कि हमको बनना है, जिस पर आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित कराया गया। और नीतीश कुमार बिहार के में दोबारा एक ऐसी राजनीति को जन्म देते नजर आए जो हमेशा समझी जाती है कि अलग तरह की राजनीति, पर ये राजनीति ये इनकी पुरानी है। नीतीश कुमार अपने व्यवस्थाओं के लिए, अपनी राजनीतिक पहुंच के लिए, अपनी राजनीतिक दबदबे के लिए तमाम तरह के इस तरह के करते रहते हैं। हालांकि बीजेपी से उनका रास्ता आज का नहीं है, बीजेपी का रास्ता उनका 22 साल पुराना, पर इसके बावजूद उन्होंने बीच में राजद से समझौता करके सरकार बनाई थी, और जिसमें तेजस्वी यादव दूसरी बार डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद जब ये सरकार गिरी, उसके बाद नीतीश कुमार ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाई। यहां पर एक बात जरूर सोचने वाली है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी जनता दल यूनाइटेड महज 45 सीट, भारतीय जनता पार्टी की अगर सीटों की बात करें 77 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी उनसे सीटें ज्यादा होने के बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार को मौका दिया मुख्यमंत्री बनने का, ये अपने आप में बड़ी बात है। पर इसके अलग अगर हम उस मौके को, उस अच्छाई को भूलते हुए अगर उसी पार्टी के साथ दोबारा गठबंधन करते हैं, जो पार्टी को हम कहते हैं विरोधी रहे हैं, पहले गठबंधन किया और उसके बाद उसके विरोध के सर अलापते हुए आपने उस पार्टी से गठबंधन तोड़ा, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनाए गए थे पहले, उसके बाद वो सरकार गई, उसके बाद फिर आप बीजेपी के साथ फिर संगत में आए, आपने सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद आपने फिर बीजेपी से नाता तोड़कर उसी राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बना ली है, जिस जनता दल को आप हमेशा कोसते नजर आते हैं, जिस पर आप प्रहार करते नजर आते हैं, जिसको लेकर आप 2017 में भी बोले थे और 2022 के चुनाव में भी बोले थे, 19 के लोकसभा चुनाव में भी बोले थे, और लगातार हमला बढ़ रहे हैं। पर अब वही पार्टी के अंदर आपको अच्छाई लगने लगी है, क्योंकि आपको अपनी सत्ता भी बचानी है, वो सत्ता बचाने के साथ साथ यहां पर गढ़ लगाना है 2024 का, क्योंकि यहां पर जो गणित है वो केवल केवल यहां पर बिहार की सत्ता के लिए नहीं है, यहां पर गणित जो है वो केवल केवल सत्ता के अलग यहां पर 2024 का चुनाव को लेकर भी है। क्योंकि अगर हम 2024 के चुनाव की सरगर्मियों को देखेंगे तो एक तरफ यहां पर धार्मिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, धार्मिक बयानबाजी चल रही है, धार्मिक मुद्दे गरमाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ तमाम ऐसी बातों का अध्ययन हो रहा है और उन बातों को केंद्र में लाया जा रहा है जनता के बीच में, जिनका सरोकार जनता से है भी और नहीं भी है। क्योंकि अगर राजनीति की बात करें तो देश में तमाम तरह की राजनीति है, पर यहाँ पर अगर हम राजनीति के 5 घटनाक्रमों की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस समय देश की राजनीति 5 महत्वपूर्ण चीज़ें चल रही हैं। एक राजनीति, वो राजनीति जिसके चलते लोग एक दूसरे को दल बदल के दूसरे दल में जाते हैं और उसको कहते हैं दल बदलू राजनीति, राजनीति नंबर एक। उसके बाद अगर राजनीति की बात करें तो वो आती है धार्मिक मुद्दों की राजनीति, धार्मिक मुद्दों की राजनीति इस समय लगातार चल रही है। तीसरी राजनीति की बात करें तो राजनीति है अफसरवादी राजनीति, यानी हमको अफसर देखना है और सत्ता की कुर्सी के लिए जिसको हम चाहे, चाहे उससे हमारा विरोध रहा हो, चाहे वो हमारा विरोधी रहा हो, चाहे उसने राज्य के नुकसान करने में कोई कसर ना छोड़ी हो, पर अगर हमको सत्ता मिल रही है, उसका समर्थन हमको मिल रहा है, तो हम सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए उनसे गुरेज ना करते उनके साथ समर्थन करके सरकार बना लेंगे, अफसरवादी राजनीति। जो चौथी राजनीति की बात करने जा रहा हूँ वो है मुफ्त की राजनीति, यानी हमारे देश में इस समय मुफ्त की राजनीति बहुत चरम पर है। यहाँ पर मुफ्त की यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, मुफ्त की बातें की जा रही हैं, बिजली मुफ्त दी जा रही है, यहाँ पर बिजली देने के साथ साथ पानी मुफ्त दिया जा रहा है, पढ़ाई मुफ्त दी जा रही है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की अगर हम बात करें तो दो चीज़ें तो समझ में आती है कि अगर हम मुफ्त देते हैं तो निश्चित रूप से उससे जनता को लाभ होगा। एक लाभ वो स्वास्थ्य लाभ, अगर आप मेडिकल
जनता को मुफ्त देते हैं, उसकी व्यवस्था कराते हैं, गरीब लोगों का इलाज फ्री कराते हैं। हालांकि इस तरह की योजना केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के माध्यम से मिल रही है, आयुष्मान कार्ड योजना है और तमाम योजना है। योगी सरकार ने भी अभी हाल में ही लोगों के 48 घंटे के इलाज के लिए उन्होंने कहा है कि कोई शुल्क नहीं लगेगा, इलाज होगा। तो ये तो हो गई आपकी स्वास्थ्य योजना, मैं इसकी स्वास्थ्य योजना का समर्थन करता हूँ। साथ ही साथ जो शिक्षा के लिए योजना आती है, अगर मुफ्त शिक्षा देते हैं, अगर आप देश को साक्षर बनाते हैं, लिटरेट करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो देश की जो विकास की जो गति है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। मैं इन चीज़ों का समर्थन करता हूँ, पर किसी को पानी मुफ्त देना और किसी को बिजली मुफ्त देना, किसी को अलग अलग चीज़ों का उपहार देना, लैपटॉप देना, इस तरह की चीज़ें हैं, ये मुफ्त की राजनीति में आती है और इनको मुफ्त की राजनीति ही कहते हैं। और जो पाँचवीं जो मैं अलग राजनीति बताने जा रहा हूँ, वो राजनीति है बयानबाजी की राजनीति। यानी इस समय देश में बयानबाजी की राजनीति बहुत चरम पर है। जिसका जो मन होता है वो बयान देता है, चाहे वो बयान से जनता का भला हो चाहे ना हो, चाहे उस बयान से सामाजिक सौहार्द बिगड़े चाहे ना बिगड़े, चाहे उस बयान से देश की छवि खराब हो ना हो, पर यहाँ पर हमको अपनी बयान की राजनीति करनी है, क्योंकि बयान की राजनीति के माध्यम से हम देश के मीडिया के माध्यम से पटल पर आ जाते हैं। हम भले ही छोटे हों बड़े हों, पर उन बयानों के माध्यम से, उन सरगर्मियों के माध्यम से जनता को बता देते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, भले ही वो अच्छा हो और चाहे बुरा हो। तो यहाँ पर आज की जो चर्चा थी बात अपने देश की, उसमें केवल एक बार स्पष्ट की गई कि आज की राजनीति अवसरवादी राजनीति हो चुकी है और सत्ता के लिए हम तमाम चीज़ों को भूल जाएंगे। जिस पार्टी को हम अब तक भला बुरा कहते थे उसके समर्थन करेंगे, सरकार बनाएंगे, और जिस पार्टी के साथ हम पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, दो दशक से जुड़े हुए हैं, उस पार्टी के खिलाफ अब हम अपनी बयानबाजी करेंगे कि वहाँ पर हमारा दम घुट रहा था या वहाँ पर सरकार गलत है और लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है। और इस तरह के बयानबाजी करके हम ये दिखाएंगे कि अब शायद जनता समझेगी कि हम पहले सब सही थे या अब सही हैं, और ये निर्णय वहाँ की जनता ही करेगी। बिहार की जनता भी निर्णय करेगी और साथ ही साथ 2024 के चुनाव में भी जनता निर्णय करेगी कि हमको वोट किसको देना है, अवसरवादी राजनीति को या देश की उस राजनीति को जो लगातार विकास की गति को आगे बढ़ा रही है और जो लगातार देश की जनता के लिए काम कर रही है और तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को जनता को समाधान किया है और जनता को राहत पहुँचाई है। चाहे कोरोना के काल के समय 80 करोड़ लोगों को अनाज की बात हो और चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे विकास की गति की बात हो और चाहे चौतरफा विकास की बात हो, यहाँ पर हम उसी पार्टी को, उसी राजनीतिक दल को वोट देंगे जो बेहतर परिणाम लाएगा। इसमें मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, पर एक बार स्पष्ट करता हूँ कि जो भी पार्टी विकास की बात करेगी, जो भी पार्टी यहाँ पर गरीबों के हक की बात करेगी, जो भी पार्टी यहाँ पर नीति के ढांचे की बात करेगी, जो भी बात देश के आधार की बात करेगी, जो भी पार्टी देश की संप्रभुता की बात करेगी, वही पार्टी सत्ता में आएगी और अवसरवादी जो राजनीति है उसको हमारे देश के जनता को तिलांजलि देनी होगी। क्योंकि आप तिलांजलि नहीं देंगे तो ऐसे ही गठबंधन होते रहेंगे और सरकार आती रहेंगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी गौरव श्रीवास्तव को दीजिए नजर, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।